शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम जिंदा हो? हाँ। मेरे खानदान पर किए हुए जुल्मों का आज तुझे पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। रुक जा, अगर जरा भी आगे बढ़े तो तुम अपनी आंखों से अपने खानदान की तबाही का नजारा देखोगे। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है मिस्टर जोसेफ। अभी दिखाता किसके हाथ में। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम बेटा? मैं सुशील हूँ माँ, तुम्हारा सुशील। याद है 20 बरस पहले बस एक्सीडेंट में हम लोग बिछड़ गए थे। बहुत दुख झेले हैं मैंने, दर दर की ठोकरें खाई है, लोगों ने मुझे भिखारी समझकर भिक्षा भी दी है। ये हाथ जो कभी देते थे सवाले बनकर पहले है बेटा। बस करो माँ, बस करो, नहीं तो ये सीना फट जाएगा। अरे पगले, तू क्यों रो रहा है? रो नहीं रहा हूँ माँ, बस इनकी खुश नसीबी को देखकर खुशी के आंसू निकल पड़े। इतने नसीब वाले सब कहाँ होते हैं जो बरसों से बिछड़ी माँ को अपने सीने से लगा सके। माँ, चंदा कहाँ है? अस्पताल में है, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। सच माँ? हाँ। चंदा देख सकेगी? भैया का हाथ पूरा होगा? हाँ। भैया और पिताजी का कुछ पता चला? वो नहीं मिले, हम ठोकरें खाते रहे, फिर ये फरिश्ता मिल गया। बेटा माथा टेक इसके चरणों में। माँ, मैं इनके एहसानों का बदला तो जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ माँ, ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। मिस्टर कामा, बेहतर इसमें है कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दें। नहीं, अगर ये मुजरिम है तो दुनिया में देवता कौन है? जिसने तेरी अंधी बहन की इज्जत बचाई, उसे भाई का प्यार दिया, वो गुनेगार है। जिसने तेरी दुखी हारी माँ को सर छुपाने की जगह दी, वो लुटेरा है।
सुशील, अगर ये बुरा है तो भगवान करे दुनिया में सारे इस जैसे बुरे हो जाए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ माँ, लेकिन फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। इस वक्त मुझे इनको गिरफ्तार करना ही होगा। तुझे इस तक पहुँचने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। इसे अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ तू अपने आप को संभाल। माँ माँ मुझे मेरे फर्ज से लड़ेगा। तू ठीक तो है माँ? मैंने जब कोई जुर्म नहीं किया तो ये मुझे गिरफ्तार कैसे करेंगे? इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? हाँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी, आइए। डीएसपी साहब, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। मुझे माँ के सामने गिरफ्तार मत करो, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अभी अभी बीमारी से उठी है, उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उन्हें कह दो कि मैं बेगुनाह हूं। तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं आपके साथ चलता हूं, मुझे बाहर चलकर गिरफ्तार कर लीजिएगा। मेरी माँ के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार, ठीक है, जैसा तुम कहते वही होगा। शुक्रिया माँ। मैंने कहा था ना इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये किसी और कुंवर साहब के चक्कर में यहां आ गए हैं। हाँ माँ, ये उस मुजरिम को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे उसका घर दिखाने ले जा रहे हैं। मुझे मालूम था ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। चलिए आइए। इंस्पेक्टर। यस सर। माँ को हमारे बंगले पर ले जाओ, अम्मी जान से मिला देना, उनसे कहना कि हमारी माँ है। नहीं बेटा, तुम दोनों उस बदमाश को पकड़कर आ जाओ, फिर कुंवर बेटे के साथ में वहां चलूंगी। इसके कदमों की बरकत से मुझे तू मिला है, हो सकता है रवि और तेरे पिताजी भी मिल जाए। जरूर मिलेंगे माँ, बस आशीर्वाद दो। कैसा आशीर्वाद? ये आकर बताऊंगा। भगवान तुझे कामयाबी दे। बस अब तो फतेह ही फतेह है। चलिए डीएसपी साहब। अच्छा माँ। आ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये मुझे दे दो, थक गए होगे। पहले मेरी बहन। हाँ, तुम अपनी बहन को भी खुशी से ले जा सकते हो। और अपने पिता घनश्याम को भी। ओ, ये भी खबर है तुम्हें, ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। पहले आप, कहते हैं हमेशा शरीफ के आगे और शैतान के पीछे चलना चाहिए। कुंवर साहब, उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखिए। साहब, आप नहीं, तुम कहिए पिताजी। पिताजी? हाँ पिताजी, मैं आपका बिछड़ा हुआ बेटा रवि हूँ। रवि? हाँ, नहीं पहचाना अपने बदनसीब बेटे को। ये देखिए चंदा की राखी का जलने का निशान। हाँ, रवि पिताजी, रवि मेरे बेटे, रवि पिताजी, बेटे बेटे, तुम्हारी माँ सुशील और चंदा कहाँ है? पिताजी, आपके जाने के बाद सब बिछड़ गए थे, पर शायद भगवान को हम बदनसीबों पर दया आ गई, माँ और सुशील मिल गए और चंदा भी यहीं कहीं। चंदा, चंदा, डरो नहीं चंदा, नहीं हूँ कुंवर। कुंवर भैया। अरे तो ठीक तो है चंदा रानी? चंदा रानी,
चंदा, ये पापा जी हैं। हाँ। हमारे पापा जी हैं और मैं तुम्हारा सगा भाई रवि हूँ। रवि? हाँ, जब तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलेगी तो मेरे हाथ पर अपनी जली हुई राखी का निशान देखोगी। रवि, रवि भैया? हाँ। सचमुच मेरे रवि भैया? हाँ, मैं रवि भैया हूँ और ये पापा जी हैं। पापा जी, पापा जी से मिलो। पापा जी, पापा जी, पापा जी, कहाँ गए पापा जी? आपको अपनी बेटी की याद भी नहीं आई? बोलिए ना पापा जी। लेकिन आज भगवान ने सबको मिला दिया है। हमने कितने दुख उठाए थे। आओ घर चलो, चलो चलो घर चलो। मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है कुंवर कि कांच के टुकड़ों में और हीरों में फर्क ना जान सके। और मेरी अकल भी इतनी कमजोर नहीं कि तुम जैसे हरामजादों का ना पहचान सकूं। जबान को लगाम दे और सच सच बता दे मुझे हीरे कहां हाथ हटा लंगड़दीन, कपड़े खराब हो जाएंगे। ये लंगड़ा नहीं है बेटा, ना इसका नाम असली है ना सूरत असली है। इसका नाम जोसेफ है, अच्छी तरह जानता हूँ। ये दाढ़ी की आड़ में शिकार खेलता रहा है। क्यों मिस्टर त्रिपाठी उर्फ जोसेफ? जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो मरने से पहले मेरी असली शक्ल भी देख लो। मेरी ये मनहूस शक्ल मैं 20 साल पहले देख चुका हूं और वो लम्हा मैं आज तक नहीं भूल सका। तूने हीरों का बैग देकर मेरी जिंदगी का रुख गलत रास्ते की तरफ बदल दिया। उसी दिन से मुझे तेरी तलाश थी और तलाश करते करते मौत के मुंह में पहुंच गए। तुम खुद मौत को मेरे करीब नहीं आने दोगे, इसलिए कि सिर्फ मैं बता सकता हूं कि असली हीरे कहां हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर असली हीरे अंदर आ गए तो हम में से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। तुम हमारे साथ बाहर आओ, असली हीरे तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं, अब तुम बाहर भी नहीं जाओगे और असली हीरे कहां हैं ये भी बताओगे। बाहर जाने के बाद कुंवर, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारी अपनी बहन की आंखें। बता दो। नहीं त्रिपाठी, त्रिपाठी रुक जाओ कुत्ते। कुंवर, अगर ये पट्टी वक्त से पहले खुल गई तुम्हारी बहन हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। त्रिपाठी, अगर अपनी बहन की आंखों की सलामती चाहते हो तो अभी भी वक्त है, बता दो। ठहरो, ठहरो, मैं बता रहा हूं। नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम मत बताना, मैं अंधी थी, अंधी रहूंगी। तो फिर ले। नहीं! ये मेरा पहला कदम था, दूसरा शर्मनाक होगा और तीसरा होगा भयानक, जो तुम अभी देखोगे। इस लड़की के कपड़े उतार दो। नहीं! खबरदार, अगर एक कदम भी आगे लिया मैं गोली मार दूंगा। मैं देख सकती हूँ मिस्टर त्रिपाठी, तुम अपनी गिनती में मार खा गए। मेरी पट्टी तो आज ही खुलने वाली थी, वो आज ऐसे वक्त में खुली कि मैं तुझ जैसे शैतान को खत्म कर दूं। खबरदार, मेरे बाप और भाई को छोड़ दो वरना मैं गोली मार दूंगी। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। भतीजे तुम? हाँ चाचा, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखकर बहुत खुशी हुई। सर, ये कमिश्नर का बेटा नहीं है, इसी बुढ़िया का सगा बेटा है। ओ, हमारे लिए तो ये बिल्कुल नई खबर है। ले जाओ और बांध दे इसे। जनाब। घनश्याम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बीवी बच्चों से मैं तुम्हें मिलाऊंगा। ये देखो, ये रहा तुम्हारा पूरा परिवार। ये सुशील है, तुम्हारा छोटा बेटा, और अपने बड़े बेटे कुंवर से तो तुम मिल ही चुके हो। रवि बेटा, हाँ, यहां सिर्फ देखने की इजाजत है, तुम लोगों का मिलन ऊपर होगा। डार्लिंग, तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी से हम बहुत खुश हुए। और भतीजी तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है वो सिर्फ अपना खून ही दे सकता है। हम बहुत खुश हुए, इसीलिए अपने दोनों दुश्मनों को खत्म करने की इज्जत हम तुम दोनों को देना चाहते हैं। डार्लिंग,
तुम कुंवर को गोली मारोगी और भतीजी तुम इस डीएसपी को जहन्नुम रसीद करोगी। मैं तीन तक गिनूंगा, दोनों की गोलियां एक साथ चलनी चाहिए। एक, दो, तीन। तो यह है तुम दोनों की असलियत। जब कमिश्नर ने तुम्हें मेरे हवाले किया था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम पुलिस के एजेंट हो, और तुम पर मुझे शक हुआ था जब कुंवर ने अपने बाप का जिक्र छेड़ा था। मैं सूफिया नहीं, धर्मदास की भतीजी, और अब मैं तुम लोगों को ऐसे तड़पा के मारूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे और मौत तुमसे बहुत दूर भागेगी। अरे भतीजे, पुलिस को भी साथ ले आए तुम। त्रिपाठी, तुम्हारे कर्तूतों का भंडा फूट चुका है। पुलिस चारों तरफ से तुम्हारे कसीनो को घेर चुकी है, इसलिए अब तुम बच नहीं सकते। शराफत इसी में है कि तुम बाहर निकलकर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चौधरी साहब, आप बुलाएं और हम ना आए, ये तो दोस्ती के नाम पे धब्बा होगा। सिर्फ इतना है कि अपने अचमचों से कह दीजिए, राइफल उठाने से पहले गाड़ी को गौर से देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की एक गलती से जिंदगी भर आपको पछताना पड़े। ड्राइव। कमिश्नर साहब, मेरे एक हाथ में आपके बेटे की कनपट्टी पे लगा हुआ एक पिस्तौल है और दूसरे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल, जिसका कनेक्शन इस गाड़ी के नीचे लगे हुए एक बॉम्ब के साथ है। अगर पुलिस ने कोई गलत कदम उठाया, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मेरे साथ ये सब भी मरेंगे। हाँ, अगर पुलिस ने मेरे कहने पर अमल किया, मैं वादा करता हूं अपनी मंजिल पर पहुंचकर इन सबको जिंदा सलामत वापस भेज दूंगा। क्या सोच रहे हैं कमिश्नर साहब? अपने पुलिस वालों से कह दीजिए मेरे रास्ते से हट जाएं और मेरा पीछा करने की कोशिश न करें। लेट हिम गो, डोंट फायर। मेरे बेटे को बचाइए कमिश्नर साहब, मेरे बेटे को बचाइए। मुझे कुछ नहीं होगा, मां, तू फिक्र मत कर, फिक्र मत कर। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, मैं कमिश्नर चौधरी बोल रहा हूँ।
मुल्क से बाहर जा रहा हूं भतीजे। तुम सब इस दुनिया से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जिंदा हो? हाँ, मेरे खानदान पर किए हुए जुल्मों का आज तुझे पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। रुक जाओ, अगर जरा भी आगे बढ़े तो तुम अपनी आंखों से अपने खानदान की तबाही का नजारा देखोगे। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है मिस्टर जोसेफ। अभी दिखाता किसके हाथ में है। की निशानी है जो मेरी मां थी अपने पति के लिए तड़पती हुई वो इस दुनिया से चली गई और अब मैं अपने बाप के प्यार की हसरत लिए इस दुनिया से जा रही हूं। बेटी, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। तुम्हारा जलील बाप अभी जिंदा है, तुम्हारी आंखों के सामने है। बेटी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे डैडी कहकर बुला लो, सिर्फ एक बार। नहीं, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। बेटी, इसी के लिए तो अपने मुल्क, समाज और कौम से गद्दारी करता रहा। इसी दौलत के लिए न जाने तूने कितने घर बर्बाद किए, कितने मासूमों को तबाह किया। उठा इन कागज के टुकड़ों को और खरीद ले अपनी बेटी के लिए जिंदगी। अरे कमबख्त, सारी दुनिया की दौलत देकर भी तू अपनी बेटी के लिए एक सांस नहीं खरीद सकता। कुदरत ने तुझसे तेरे कर्मों का बदला लिया है जोसेफ।
जिस दौलत की खातिर खाक कर डाले चमन, खाली हाथों फिर भी जाता है कोई डाले कफन।